नमस्कार, हमें आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमारी मदद करेंगे? देखिए आप लोग घबराइए मत, आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, बस हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। एक सावले रंग का नॉर्मल कदकाठी और बड़ी सी मूंछ वाला कोई आदमी यहाँ पर रहता है क्या? नहीं, ऐसा आदमी तो हमने कभी नहीं देखा। सच में? हम इसी गांव में रहते हैं पर ऐसे आदमी को हमने नहीं देखा है। ठीक है, शुक्रिया। सदा अब कैसे आवाज निकल आई? ए बुढ़िया, देखो तुम्हें माँ कहा उसने। अब जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका जल्दी जल्दी जवाब क्यों नहीं देती? अरे मुझे नहीं पता है सदा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा क्या? व्हाइट नाइट? इतने सालों बाद तुझे घर कैसे याद आया? और तुझे गड़े धन का पता नहीं? अरे छोड़ दो ना, उसे बता रही ना, उसे कुछ नहीं याद आ रहा है। चुप बैठ, बिल्कुल आवाज नहीं चाहिए। और तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरे साथ भी वही करूंगा जो तेरे दोस्त के साथ किया था। ये मुझे भी तुम लोगों के साथ खेलना है, और छुपा छुपाई खेले, मैं ढूंढ लूंगा तुमको, चले। हाँ चलो चलो चलो, उठो 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 चलो। अरे चुप ना जाके, चुप चुप जा जा, जल्दी जा। चंदी तू एक काम कर, अपने घर में जो बड़ी पेटी है ना उसमें छुप जा। क्यों? नहीं वो इसीलिए कि मैं पहले नंदू को ढूंढ लूंगा ना, और फिर तुझे मतलब तेरे ऊपर दावी नहीं आएगा क्या? हाँ चलेगा। माँ वो क्या काम? मेरा राजा है रे, तू कितनी जल्दी काम कर दिया। अब सुन, तू यहाँ पर कुछ देर रुक। हाँ? जब तक वो पेटी में बेहोश ना हो जाए उसके बाद हम लोग आगे का खेल खेलेंगे। हाँ? और सुन, तब तक तू एक काम कर, कुछ खा ले, मैंने तेरे लिए एक डिश बनाई है। अरे चंदी तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे सदा ने बुलाया छुपने के लिए। सदा ने? बहुत ज्यादा होशियार है वो, तुझे यहाँ छिपने के लिए बोलकर वहाँ बैठकर वो खाना खा रहा है। सच में? और क्या, उसे पता है ना कि तू यहाँ पर छिपी है, तो वो सबसे पहले तुझे ही पकड़ेगा। चंदी चंदी हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि तू बाहर आ जा, मैं अंदर जाता हूँ। मतलब कैसा होगा कि वो आएगा और मुझे पकड़ेगा और फिर दांव मेरे ऊपर आ जाएगा। हाँ। और फिर वो छुपेगा तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, क्या बोलती है? हाँ, हाँ, चलेगा। चल चल तू बाहर आ जा। हाँ। अपना सर संभालना। मैं क्या बताऊं, लुका छुपी के खेल में तुम्हारी जान लेनी चाहिए तो नंदू ने बाजी ही पलट दी। बहुत बड़ा जिगरा था नंदू के पास, तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपने खुद की जान दे दी। क्या किया तुमने सदा, क्या किया तुमने सदा? क्या मतलब? जो भी कुछ गड़ा धन था ना उसमें तेरी हिस्सेदारी नहीं चाहिए थी हमें, इसलिए तुम्हारा काटा निकालने गया तो उसमें नंदू की जान चली गई। तेरे एक्सीडेंट की बात मेरे सुनने में आई, मैं हॉस्पिटल में भी पहुंचा लेकिन तुम वहां से भी गायब हो गई। लेकिन अब तुझे यहां से गायब नहीं होने दूंगा, और इसे भी, क्योंकि अब
तुम्हारे सामने कबूल किया है मैंने खून के इल्जाम को। अब जल्दी जल्दी मुझे बताओ वो पैसा कहाँ छुपा के रखा है, फिर तुम दोनों को मारकर मैं खून की हैट्रिक करूंगा और पैसा लेकर मैं भाग जाऊंगा यहां से। बोल कहाँ छुपा रखा है शारंग पानी का गड़ा धन, बोल बोल जल्दी। तेरे असली बाप ने कहाँ खजाना छुपा रखा है, बता बता बता, नहीं तो तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? दादा भाई चाकू नीचे रख दो, एक गोली सारा गुप्त धन बाहर निकाल देगी। प्रियंका तुम ठीक हो ना? हाँ तुम ठीक हो? रमा, वसुधा, चंदी, तीन अलग अलग नाम लेकिन इंसान एक ही है। वो वड़गांव में सारंग पानी के यहां चंदी के नाम से पैदा हुई, उसके बाद उसका नाम वसुधा रखा गया और वो वसुधा के नाम से ही बड़ी होती गई। लेकिन फिर रमा, रमा ये नाम कहां से आया? वो अभी भी कह रही है कि अभय है, उसके बच्चे नकुल आर्या अभी भी है। अगर वो अभी भी है तो वो है कहां पर? मैं आई कम इन सर। कम इन। सर मैंने इस महीने की बिलिंग का एक्सेल शीट तैयार किया है और मैंने आपको मेल भी कर दिया है। और यहां इस रजिस्टर में सारे डॉक्टरों की विजिट लिस्ट और पेशेंट लिस्ट है जो आपने मंगवाया था सर। ठीक है। ओके सर। अब है पोतदार। अरे हाँ मैं आपको फोन करता हूँ बाद में। साहब ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। बस बस इस समय तो मौत भी आ जाए तो चलेगा। अरे अरे ये समोसा नहीं है, स्वर्ग का द्वार है, मोक्ष, मुक्ति, सारे प्रॉब्लम से छुटकारा। इंस्पेक्टर मुझे आपको कुछ बताना है। नहीं जिंदगी भर इनसे छुटकारा नहीं है। क्या अब क्या हो गया? अब रमा हाँ? उसका पति अभय पोद्दार हाँ? और उसके बच्चे नकुल और आर्या, ये इमेजिनेशन नहीं है। क्या अभय अभी भी जिंदा है? क्या? यस, ये देखिए। यस अभय पोद्दार। इन्हें आपने देखा है क्या? सच कहूं तो शायद कहीं देखा ऐसा लग रहा है इन्हें। अभय पोद्दार, इनका नाम अभय पोद्दार है। मुझे एक बात बताइए, वसुधा मैडम का और इनका कोई कनेक्शन है? यस एग्जैक्टली। ये लोन की इंक्वायरी करने के लिए हमारी बैंक में आए थे। वसुधा मैडम ने मुझे बहुत कन्विंस किया इनका लोन सैंक्शन करने के लिए, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज्यादा इश्यूज थे और हमारी बैंक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। उस समय उनका लोन मैंने ही रिजेक्ट किया था,
दैट्स फाइन। उनके कुछ भी डिटेल्स या कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? मैंने आपको अभी बताया ना, उनका लोन ही सैंक्शन हुआ नहीं। अगर उनका लोन सैंक्शन होता तो पूरी फाइल दे देता मैं आपको। पर फिर भी आप एक काम कीजिए, वो वसुधा मैडम के साथ यहाँ आते थे तो आप बैंक के एम्प्लॉयज के साथ बात कीजिए, हो सकता है कोई जानकारी मिल जाए। अरे हाँ, इस आदमी को पहचानती हूँ मैं। पहचानती हूँ मतलब नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वसुधा के साथ मैंने देखा है इसे। कहाँ पर? अरे यहीं पे बैंक में, और बैंक के बाहर भी देखा है। यही पास में जो कॉफी शॉप है ना, मैंने उन दोनों को एक बार वहाँ भी देखा था। और वो बहुत बार बैंक में बाइक से वसुधा को लेने आता था। अच्छा, पर ये है कौन और कहाँ रहता है, कुछ पता है आपको? नहीं सर, मैंने कितनी बार वसुधा से पूछने की कोशिश की कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, तुम्हारी शादी हुई है क्या, लेकिन उसके बारे में उसने कोई बात नहीं की थी, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। लेकिन उन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है ऐसा मुझे पता था। This is the one. It's him. हाँ, पर इसमें बाकी की डिटेल्स नहीं दिख रही है। रुको ना, हम लोग उससे ही पूछते हैं। क्या कर रही हो? रैंडम किसी भी इंसान को इतनी रात को मैसेज क्यों कर रही हो? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रियंका, इट डजंट लुक गुड। उसे लगेगा कि उसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ब्लॉक किया तो। ऐसा कुछ नहीं करने वाला है वो, तुम फालतू में इतना सोच रहे हो। Now. Enough. तुमने एक मैसेज किया ना उसको, और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी रात को रिप्लाई करेगा। हम सो जाते हैं। सदा, come on. मुझे लग रहा है वो रिप्लाई करेगा। पांच मिनट रुकते हैं ना। I really feel he will. You already messaged him once. लेकिन एक बार एक सदा, please एक बार किया है ना? अरे वो देख के तुम्हें रिप्लाई करेगा ना? Please सिद्धार्थ रुको ना। उसने रिप्लाई डायरेक्ट नंबर दिया है इसने। मिस्टर अभय पोदार, आई एम गोना कॉल यू राइट अवे। क्या कर रही हो? अरे कॉल हिम टुमारो। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सुनो मेरी बात, कल हेलो हेलो मिस्टर अभय पोदार। या हु इज दिस? नमस्कार, मैं प्रियंका। कल ओहो प्रियंका, पहचान गया मैं तुम्हें। बोलो। हाँ? क्या आप मुझे पहचानते हैं? ऑफ कोर्स। एक तो क्या है कि इतनी रात को मुझे कोई लड़की मैसेज नहीं करती है, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की तो बिल्कुल नहीं। थैंक्स। छोड़ो, चलो मुद्दे पर आते हैं। इतनी रात को मैसेज किया था, कुछ विशेष काम है क्या मुझसे? मैं, आप जहाँ काम करते हैं ना उसी कंपनी में काम करती हूँ, अब अलग ब्रांच में। अच्छा, कौन सा ब्रांच? दादर। दादर ब्रांच। दादर? मैं तो वहाँ कई बार आया, तुम मुझे दिखाई नहीं दी। अब हाँ वही ना, देखिए ना, आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई, इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं मैसेज करूँ क्या कि मिलने के लिए आएंगे या इसीलिए। ऑफ कोर्स, अगर चाहो तो आज ही मिलता हूँ। क्या आज? हाँ मैं ही आ जाता हूँ, बोलो तो दादर ब्रांच में। नहीं नहीं, आप मत आइए ऑफिस। ऑफिस में कहाँ मिलेंगे ना? आप रहते कहाँ हैं? मैं सावरकर नगर। सावरकर नगर? सावरकर नगर, विक्रोली, गली नंबर 3, बंगला नंबर 13। अच्छा। हेलो, क्या तुम घर पर ही आओगी? नहीं 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 नहीं। देखते हैं, मैं कंफर्म करती हूँ आपको, मैं कॉल करूँगी। आई विल कॉल यू, अभी थोड़ी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। कभी भी करना। हा?
आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. श्योर, बाय बाय. प्रियंका. इतना क्या बोल रहा था वो? नहीं यार, कुछ भी नहीं. लेकिन उसके बारे में मुझे दो जरूरी बात पता चली है. क्या? See, first of all, ये आदमी is not right. कुछ तो गड़बड़ है इसमें. There's something wrong about him. और दूसरी बात, उसने जो मुझे एड्रेस दिया है, सावरकर नगर, गली नंबर 3, बंगलो नंबर 13, विक्रोली. यस, दैट्स द एड्रेस. सावरकर नगर, गली नंबर 3. ये सेम टू सेम तो निरंजन भैया का एड्रेस है. सेम टू सेम? यस, बस एरिया अलग है. मतलब विक्रोली की जगह थाने का एड्रेस है भैया का, सावरकर नगर 3 और 13. ओह माय गॉड सिद्धार्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें अभी के अभी सब रमा को बता देना चाहिए. प्रियंका, नॉट नाउ. अभी हमें बाहर जाकर पता करना होगा, उसके बाद रमा को सारी बातें बताएंगे. लेकिन टिल देन उनको ये सब पता नहीं चलना चाहिए. ठीक है? ठीक है, चलो. रमा, ओ भाई, मिल गए क्या? रमा, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें समझाता हूँ. अभय का नंबर मिला है तुम्हें, मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना. या फिर एड्रेस मिला है और तुम लोग वहाँ उनसे मिलने जा रहे हो, और ये सब उसे छुपा कर रखने वाले थे क्या? रमा देखो, हम छिपाना नहीं चाहते थे, बस पहले खुद कंफर्म करना चाहते थे. रमा, क्या कंफर्म करना है? मैं इतने दिनों से गला फाड़ फाड़ के सबको बता रही हूँ कि अभय पोतार नाम का आदमी है, पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा है. मैं अपने घर का एड्रेस भी बता रही हूँ, सावरकर नगर, गली नंबर 3, बंगला नंबर 13, वो सब भी सबको झूठ लग रहा है. अगर ये दोनों बातें मैच हो रही है तो अभी भी तुम्हें क्या कंफर्म करना है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे भी अपने साथ ले चलो. मैं खुद किसी अपने से मिलना चाहती हूँ. मैं तरस गई हूँ, अपने घर के लोगों को देखना चाहती हूँ. अब मैं, मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज. मैं हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ूंगी. प्लीज मुझे ले चलो अपने साथ, प्लीज प्रियंका. अरे पागल हो गई है क्या? तुम क्या कह रही हो? प्लीज शांत हो जाओ प्लीज. रमा? हाँ? क्या हुआ? यही मेरा घर है. आया आया. हाँ भाई, मैं वापस आ गई. मैं वापस आ गई. अब मैं वापस आ गई. ये सब क्या चल रहा है? ये क्या कर रही हो तुम? आखिर तुमको चाहिए क्या? क्या चाहिए मतलब? अब आप गुस्सा है ना मुझ पे, इसलिए ऐसा कह रहे हैं. मैं क्यों गुस्सा करूं? मतलब तुम कौन हो मेरी जो मैं तुम पर गुस्सा करूंगा? अरे कैसा आदमी है ये? इतने दिन बाद वापस आने वाली बीवी को बोल रहा है कि कौन हो तुम? ऐसा सवाल पूछने वाला हस्बैंड पहली बार देख रहा हूं मैं. पत्नी कौन? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी रमा. तुम रमा?
ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? यही सवाल खुद से पूछो वसुधा। रमा एक मिनट, आपने अभी वसुधा बोला, मतलब आप इसे पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ, पर उतना ज्यादा नहीं जानता। हम लोग मिले हैं। कहाँ पर? बैंक में। ये बैंक में नौकरी करती है, वसुधा नेवरेकर नाम है इनका। ये वसुधा बैंक में लोन डिपार्टमेंट में काम करती है। मेरी और इनकी मुलाकात वहीं पर हुई थी। वो लोन के लिए बैठिए। ये फॉर्म भर दीजिए। मैडम पेन? हाँ मैं मदद करूं क्या फॉर्म भरने में? दीजिए मुझे, मैं भरती हूँ, लाइए। हाँ नाम बताइए अपना। अभय रमाकांत पोद्दार। और तुम्हारा? वसुधा नेवरेकर। बैंक में लोन के काम के सिलसिले में मैं जाता था, तब मुलाकात हुई थी हमारी। एक बार बैंक के बाहर भी मिले थे, एक दो बार बैंक में छोड़ा था इनको, पर अब काम के सिलसिले में ये सब करके भी काम नहीं हुआ। बट स्टिल आई एम थैंकफुल टू हर, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की मुझे लोन दिलाने के लिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आखिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। ये औरत पागल हो गई है, इसको यहाँ से लेके जाइए अभी के अभी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है और मेरे बच्चे। बच्चे कहाँ है? आर्य और नकुल कहाँ है? वो यहाँ नहीं है घर में। वो है? वे नहीं है घर में। है, मैं जानती हूँ। नकुल, नकुल, आर्या, कहाँ हो तुम लोग? नकुल, नकुल, आर्या। इंस्पेक्टर साहब, कितना ढूंढा मैंने तुम लोगों को, कहाँ थे तुम लोग? देखो ना तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि वो मुझे जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ। तुम लोग बताओ ना कि मैं कौन हूँ, बताओ ना सबको कि मैं कौन हूँ। बताओ ना प्लीज। पापा कौन है ये आंटी? और ये क्यों रो रही है? क्या हुआ है इस आंटी को? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी। आप हमारी मम्मी नहीं है। मैडम रमा, 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 ये रमा, सिद्धार्थ। एक्सक्यूज मी, आप कौन और आपको कौन चाहिए? नमस्ते, मैं रमा अभय पोद्दार।
आप लोग ही आए थे ना हमारे घर पर। हाँ? सारी बातें सुनी मैंने, वसुधा के बारे में सुनकर बुरा लगा मुझे इस कहानी में, मतलब वसुधा की कहानी में मुझे सच्चाई दिखी, इसलिए मैंने जवाब ढूंढने की कोशिश की। मेरे मन में जितने सारे सवाल थे उनके जवाब ढूंढने की कोशिश की मैंने, और जो हमारे सामने आया वो सब अभय बताएंगे आपको। अभय, अभय अंदर आओ ना। जो सच है इन्हें सब बता दो। देखो अगर चाहते हो कि मेरे मन में तुम्हारे लिए थोड़ी सी जगह बनी रहे ना, तो जो कुछ भी हुआ वो सब सच सच बताओ इन्हें। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो कुछ भी बताना है सब क्लियर बताइए। वसुधा के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी उसके बैंक में। वो मुझे होम लोन चाहिए था, इसीलिए मैं उसके बैंक में गया था। सुंदर मधुर आवाज, अत्यंत हेल्पफुल, मैंने देखते ही उसे पसंद कर लिया, और शायद मेरे विषय में भी उसे कुछ अच्छा लगा होगा, इसीलिए वो मुझे लोन दिलाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी। वो देखकर उसके बारे में अच्छा लगा और ऐसी उम्मीद हो गई कि वो मुझे जरूर लोन दिलवा देगी, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती बढ़ाई। हाँ लेकिन आपको लोन नहीं मिला, राइट? राइट, मुझे लोन तो नहीं मिला, लेकिन उसने भी अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। मतलब मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है बोलने पर उसने खुद ही अपने नाम पर लोन लिया मेरे लिए। उसके इस फैसले की वजह से हम एक दूसरे से घुल मिल गए और हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसी दौरान मैंने उसका विश्वास पाया और प्यार भी। क्या हुआ? चेहरा कैसा दिख रहा क्या है? हुआ? पर जब उसने शादी की बात की तब मैं हड़बड़ाकर सचेत हो गया, सपने से बाहर आया। अब हमें हम दोनों के इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहिए। नाम देना चाहिए मतलब? मतलब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? हाँ शादी, मतलब अपना ये प्यार, ये मिलना जुलना, इसको एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए ना। हाँ लेकिन देखिए, आज नहीं तो कल हम लोग इस बारे में सोचने ही वाले थे ना, मतलब
डिस्कस तो करते ही ना, तो अभी क्यों नहीं? और हम दोनों की ही नौकरी अच्छी चल ही रही है और एक अच्छा सा घर भी है, तो फिर साल भर बाद करने का क्या? बसु, देखिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मतलब आप टाइम ले लीजिए, आप सोचिए। मैं बस जो मेरे मन में आया मैंने भूल दिया, इसकी वजह मैं अब हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन इस दौरान बहुत समय निकल चुका था, मैं अपना दूसरा पक्ष उसको बता नहीं पाया था कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरे दो बच्चे हैं। मैं सच में उसे कुछ बता नहीं पाया था क्योंकि मुझे वो चाहिए थी, मैं उसे खोना नहीं चाहता था, और इसीलिए मैंने क्या? अब है घूमू क्या अब? हाँ। अरे ये क्या है, ये क्या है? ऐसा क्यों कर रही हो वसु? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि हम दोनों शादी करेंगे, हो गई शादी। अच्छा, ऐसे मंगलसूत्र गले में डालने से हो जाती है शादी? वसु, ये काले मणि ही सच में पति पत्नी के रिश्ते के सच्चे गवाह हैं, सच्ची पहचान है। बाकी रीति रिवाज, परंपरा, विधि, ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। चार रिश्तेदारों को बुलाकर रस्म और रिवाज निभाओ, गवाह के रूप में बुलाया जाता है, इसीलिए की हुई फॉर्मेलिटीज है। पर हमारे रिश्ते को चार रिश्तेदार की जरूरत नहीं है, और ये बात तो सिर्फ तुम्हारी और मेरी ही है ना। और शादी के बंधन के बाद भी मन का मिलना ये आवश्यक होता है, और हम दोनों का मन मिल गया है ना। मैं आज की मौत को कल पर डाल रहा था, समय को मारते जा रहा था, सच को जितना मैं दबाने की कोशिश कर रहा था उतनी जोर से वो उफान मार के ऊपर आता था, और एक दिन जो मैं टाल रहा था वही हो गया। उस दिन रमा का जन्मदिन था। आर्या, नकुल, माँ नहाने के लिए गई है। शंकर ने जो इस्त्री करके कपड़े दिए हैं ना, इसके अंदर ही माँ की नई साड़ी है, इसको मैं अंदर कपाट में छुपा कर रखता हूँ। तब तक तुम लोग वाघ काका और पड़ोसियों को बोल कर आओ कि हमारे घर पर शाम को आना है। पर पापा, हमने अपना काम कर दिया। हाँ, वाघ चाचा माँ की पसंद का फूल लाने वाले हैं। बेस्ट। पर शाम को माँ को आइसक्रीम लाने के लिए भेजना है, ये याद रखना, नहीं तो वाघ काका पहले आ जाएंगे और सब प्लान फ्लॉप। लेकिन आप भी तो अपना काम करिए ना पापा, जाइए जल्दी। हाँ, जाता हूँ। नानी। चलो चलो चलो। अरे, गुब्बारे का पैकेट कहाँ रखा है? थोड़ी देर पहले टेबल पर ही तो रखा था। अरे हाँ हाँ। किससे मिला है आपको? पोद्दार। इस घर में चार पोद्दार रहते हैं, मैं, आर्या अभय पोद्दार, ये नकुल अभय पोद्दार, पापा अभय रमाकांत पोद्दार, और हमारी माँ रमा अभय पोद्दार। आपको किससे मिलना है? किससे बात कर रहे हो? क्या हुआ? वसुधा? क्यों किया आपने ऐसा? हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। आपकी शादी हो चुकी है, दो प्यारे से बच्चे हैं आपके, फिर भी? देखो, मैं तुमको सब समझाता हूँ, हम लोग बाहर चलकर बात करते हैं। क्या समझाएंगे, क्या समझाएंगे आप? हाँ, ये झूठे मंगलसूत्र का मतलब समझाएंगे मुझे?
या फिर आपकी पत्नी और आपके बच्चे झूठ है ये समझाएंगे। देखो तुमको सहारे की जरूरत थी इसीलिए। मतलब आप मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आधार की दीवार बनकर खड़े हो गए हैं और उस दीवार के पीछे ये सारी चीजें आपने छुपाई हैं। ए, देखो अब ये तमाशा करके ना प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। मैं तुमसे सुबह मिलता हूँ, नहीं तो आज रात को ही मिलता हूँ। पर अभी जाओ यहाँ से, चलो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी यहाँ से। जो मुझे चाहिए वो मुझे जब तक नहीं मिलेगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। कौन है? क्या हुआ? कौन है ये? अरे मैं पत्नी हूँ इनकी। पत्नी? अरे ये मैं इनकी पत्नी हूँ, रमा अभय पोद्दार। इनकी पत्नी होने का सबूत क्या है आपके पास? हाँ ये मंगलसूत्र तो ये मेरे पास भी है। ये देखो इन्होंने ही मेरे गले में डाला था। ये सब क्या चल रहा है भाई? ये क्या बोल रही है? अरे कुछ नहीं, ये औरत झूठी है। हमारा बंगला देखकर आई है पैसे लूटने के लिए। मैं बैंक में गया था ना लोन के लिए, तभी मुझे मिली थी। मेरे बारे में, मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, मेरे पैसे के बारे में सारी जानकारी लेकर यहाँ पर आई है ये। अरे एक नंबर की झूठी लालची औरत है ये। अब कई लोगों को लूटा है इसने। और देखो तुम चाहे कोई भी हो, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे अरे पुलिस को क्यों, मैं इसको निकालता हूँ ना बाहर। नहीं नहीं मैं निकालता हूँ ना। सुनो चलो जाओ यहाँ से, और इसके बाद मेरे घर की तरफ, मेरी बीवी की तरफ या मेरे बच्चों की तरफ अगर तुमने देखा ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। चलो चलो तुम लोग अंदर चलो। अच्छा मुझे वसुधा के साथ कोई भी बात करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं पूरी तरह उलझ गया था, और उस समय तो मेरे दिमाग में सिर्फ रमा का और मेरे बच्चों का विचार आ रहा था। लेकिन उस दरमियान वसुधा के बारे में नहीं सोचा। दिन मैंने अपने पति पे विश्वास किया क्योंकि तुम पराई थी मेरे लिए। मेरी वजह से इन्होंने तुम्हें घर से निकाला, शायद उसी वजह से तुम अपनी असली पहचान भूल गई हो। जो कुछ भी हुआ उसकी भरपाई कैसे करूं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इन सब के लिए अभय जिम्मेदार है। मेरा संसार, मेरे बच्चों के बारे में सोच के अगर तुम्हें दया आए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। I'm sorry.
रमा 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 समाल खुद को, रमा देखो। जो हुआ सो हुआ सिद्धार्थ, पर अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसने जिन जिन को अपना माना सबने उसका फायदा उठाया है, उसके मन के साथ खिलवाड़ किया, लेकिन अब नहीं। इसके आगे किसी को भी उसे अपना मानकर उसे अपना मन नहीं दुखाना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसको हम हमारे साथ इसी घर में रखेंगे सिद्धार्थ। हाँ सिद्धार्थ, देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये घर जितना अपना है ना, उतना उसका भी है। और जितने टाइम से वो इस घर में रह रही है, इस घर को अपना मान कर रह रही है, जाने अनजाने बहुत कुछ किया है अपने घर के लिए, और असल जिंदगी में उसका जो भी नाम है, चाहे जो भी नाम हो, चंदी, वसुधा, रमा, अरुण, खैर, हमारे लिए तो वो अपनी है। और अब उसे हमें दूर नहीं करना चाहिए, इसीलिए अपना घर, अपने लोग, ये इन सारी चीजों का सुख क्या होता है ये वो अनुभव कर सके, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उसे यहीं रहने देते हैं। प्रियंका, मौसी, रमा, रमा का क्या? मौसी, रमा घर पर नहीं है। रमा, रमा, वो मैं अपना घर भूल गई हूँ।